हमीरपुर शहर के सुजानपुर अबादेवी जाने के लिए आईपीएच विभाग के पास बनाए गए बस स्टॉप को बदलने पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने आवाज उठाई है। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पदाधिकारी ने डीएसपी रेणु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द बदले गए बस स्टॉप को पुरानी जगह पर करने की मांग की है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा, महासचिव मनोहर लाल कानगो, युद्धवीर सिंह पठानिया, प्रेस सचिव जसवीर कुमार मौजूद थे। साथ ही संगठन सदस्य ने सड़क मार्ग पर जेब्रा क्रॉसिंग लगाने के लिए भी पुलिस विभाग से निवेदन किया, ताकि लोगों को सड़क पार करने के लिए दिक्कतों का निदान हो सके। आपको बता दें कि कुछ माह पहले सुजानपुर मार्ग पर आईपीएच विभाग के पास बस स्टॉप को बदलकर करीब 200 मीटर दूरी पर ट्राला स्टैंड के पास स्थानांतरित कर दिया गया है, जिस कारण अब लोगों को बाजार से सामान हाथों में लेकर चढ़ाई चढ़कर बस स्टॉप तक पहुंचना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को पेश आ रही हैं, जिसके चलते ही दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पास लोगों की शिकायतें आई थी। संगठन की मांग पर डीएसपी रेणु शर्मा ने भी जल्द ही इस समस्या को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखकर हल करने का आश्वासन दिया है। संगठन अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि बस स्टॉप को पुरानी जगह पर करने के लिए डीएसपी से गुहार लगाई गई, ताकि लोगों को पेश आ रही समस्या का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग लगाने के लिए भी संगठन ने पुलिस विभाग से मांग की है। फल व सब्जी विक्रेताओं पर डीएफएससी का नियंत्रण खत्म होने से अब ग्राहकों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। फल व सब्जी विक्रेता जब डीएफएससी के नियंत्रण में थे, तब भी वे अपनी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं लगाते थे और मनमाने रेट ग्राहकों से वसूल करते थे, लेकिन अब तो उनको प्रदेश सरकार ने खुली लूट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब रहे कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले ई कंट्रोल ऑर्डर्स को होल्ड कर दिया है। इन आदेशों के बाद प्रदेश के सभी जिलों में फल व सब्जी विक्रेताओं पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक का नियंत्रण समाप्त हो गया है। नियंत्रण के खत्म होने से अब विक्रेता रेट लिस्ट लगाने के लिए बाध्य नहीं होंगे और वे उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूलेंगे, जिसका सीधा नुकसान आम लोगों की जेबों पर पड़ेगा। इसके अलावा जिलों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं और ढाबों और होटलों के दामों को तय करने के आदेशों को भी होल्ड किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में दाम अनियंत्रित हो सकते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित किए जाते हैं। इसकी अधिसूचना प्रत्येक जिला दंडाधिकारी के माध्यम से की जाती है। इन तय दामों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए जिला नियंत्रक व संबंधित क्षेत्र का निरीक्षक समय समय पर औचित निरीक्षण कर दुकानों पर रेट लिस्ट की चेकिंग करते हैं, वहीं ढाबों में भी दाम चेक करते हैं। इस निरीक्षण में खामी पाए जाने पर चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन दो दिन पहले जारी अधिसूचना संख्या FTSC 14-1-2017L के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी कंट्रोल ऑर्डर्स को आगामी आदेशों तक अस्थगित रखा गया है। इन आदेशों के बाद अब विभागीय अधिकारियों का विक्रेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, फलस्वरूप वे मनमर्जी के दाम उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। इसका सीधा नुकसान आम लोगों को होगा और उन्हें मजबूरन ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। वहीं विभाग द्वारा किराना होलसेलर्स को जारी किए जाने वाले लाइसेंस की शक्तियां होल्ड की गई हैं। DFSC जिला कांगड़ा नरेंद्र धीमान ने बताया कि उनको आदेश प्राप्त हुए हैं और आगामी आदेशों तक इनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये कंट्रोल ऑर्डर होल्ड किए गए हैं।
वहीं जब इस बारे ग्राहकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब DFSC का नियंत्रण इन वस्तुओं पर होता था तब भी वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे और अब इन वस्तुओं पर DFSC का नियंत्रण खत्म कर दिया है तो ये लोग मनमाने रेट उनसे वसूलेंगे और उनकी जेबें ढीली होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जो आदेश DFSC को दिए हैं उनको वापस ले। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर SP बंसल ने HPTU के अधीन चल रहे तकनीकी सुधार पर चर्चा की। इस कार्यशाला में प्रदेश भर के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि वर्तमान में टेकयुग 3 प्रोजेक्ट में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन उम्मीदों से कम है जिसके कई कारण हैं। महाविद्यालयों के साथ प्रभावी समन्वय ना होना एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का अच्छा प्रदर्शन विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। उपकुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रदेश भर में 4 जोन बनाकर रोजगार मेलों का आयोजन करेगा जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी।